IPL अपने पहले सीजन से ही दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली T20 लीग्स बना हुआ है। हाल ही के कुछ सालों में इसकी फैन फॉलोइंग पहले से भी कई ज्यादा हो गई है। अब तक इसके 13 एडिशन हो चुके हैं, जिनमें कुछ तो इंडिया के बाहर भी हुए हैं, और इसी वजह से इसकी फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी ये लीग काफी पॉपुलर हो चुकी है। इतनी कमाल की फैन फॉलोइंग और व्यूअरशिप होने की वजह से कई अलग अलग कंपनीज और बिजनेस ग्रुप्स इस लीग का हिस्सा बनना चाहते हैं। जहां एक तरफ कुछ टीम्स आज भी शुरुआत के सीजन से ही कमाल का खेल दिखा रही हैं, वहीं कुछ फ्रेंचाइजीज के लिए IPL का सफर इतना आसान नहीं रहा, और इसी वजह से वो फ्रेंचाइजीज आज IPL में खेलती हुई नजर नहीं आती। ऐसे में टीम्स को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। कई बार टीम को डिसकंटिन्यू करने की वजह होती है फंड्स की कमी, और कई बार लीगल रीजंस की वजह से फ्रेंचाइजी को IPL से बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम IPL की उन्हीं कुछ टीम्स के बारे में बात करेंगे जो पहले तो इस लीग का हिस्सा हुआ करती थी, पर कई वजहों के चलते अब इंडियन प्रीमियर लीग में दिखाई नहीं देती। तो आइए शुरू करते हैं IPL की डिसकंटिन्यूड टीम्स की कहानी। नंबर 5, डेक्कन चार्जर्स। जिसने IPL के शुरुआती सीजन्स नहीं देखे होंगे वो इस टीम के बारे में नहीं जानता होगा। डेक्कन चार्जर्स IPL के पहले सीजन की 8 टीम्स में से एक टीम थी। इस फ्रेंचाइजी को डेक्कन क्रॉनिकल ग्रुप ने ऑक्शन में $107 मिलियन यानी कि करीब 750 करोड़ रुपए देकर खरीदा था, और ये टीम हैदराबाद को रिप्रेजेंट करती थी। डेक्कन चार्जर्स की टीम में कई कमाल के खिलाड़ी थे, जैसे एंड्रयू साइमंस, एडम गिलक्रिस्ट, रोहित शर्मा और RP सिंह। इन खिलाड़ियों के दम पर ये टीम काफी स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग टीम बन गई थी। जहां पहली सीजन में तो डेक्कन चार्जर्स रैंकिंग में सबसे नीचे रही, वहीं दूसरे IPL सीजन में इस टीम ने ऐसा कमबैक करा कि ये टीम IPL की चैंपियनशिप जीतने में कामयाब हुई। 2012 में डेक्कन चार्जर्स ने बताया कि वो अब अगले IPL का हिस्सा नहीं होंगी। इसी दौरान IPL की गवर्निंग काउंसिल ने भी इस टीम को बैन कर दिया। गवर्निंग काउंसिल के अनुसार फ्रेंचाइजी ने कॉन्ट्रैक्ट के नियमों का उल्लंघन किया था, और इसी वजह से इस टीम को बैन किया गया। BCCI के अनुसार डेक्कन चार्जर्स ने कई प्लेयर्स की पेंडिंग फीस पूरी नहीं दी थी, और कई स्टाफ मेंबर्स को भी कई महीनों से उनकी सैलरीज नहीं मिली थी। इसी वक्त पर डेक्कन क्रॉनिकल्स ग्रुप ने BCCI के इस फैसले का विरोध करने की कोशिश करी, पर वो ऐसा करने में असमर्थ रहे, और इसी वक्त पर गवर्निंग काउंसिल ने इस फ्रेंचाइजी की जगह एक नई फ्रेंचाइजी के लिए टेंडर निकाला, और उस ऑक्शन में सन टीवी नेटवर्क ने सबसे ऊंची बोली लगाकर फ्रेंचाइजी को खरीद लिया, और वहीं से इस टीम की जगह सनराइजर्स हैदराबाद ने ले ली, और तब से अब तक सनराइजर्स हैदराबाद IPL का हिस्सा बने हुए हैं। जुलाई 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने डेक्कन चार्जर्स के टर्मिनेशन से जुड़ी हुई एक और इन्वेस्टिगेशन बिठाई, जिसके तहत पता चला कि BCCI द्वारा डेक्कन चार्जर्स को बैन करने का कदम इल्लीगली उठाया गया था, और टीम ने उस वक्त किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं करा था, और इसी वजह से डेक्कन चार्जर्स को ओन करने वाली कंपनी डेक्कन क्रॉनिकल्स होल्डिंग लिमिटेड को BCCI द्वारा कंपनसेट करने के ऑर्डर्स दिए गए। इस रूलिंग के अनुसार BCCI को डेक्कन चार्जर्स को 4800 करोड़ रुपए कंपनसेशन के तौर पर देने होंगे। इसके बाद ये कहा जा सकता है कि डेक्कन चार्जर्स को बैन करने का निर्णय BCCI को बहुत भारी पड़ा। नंबर 4, कोची टस्कर्स केरला। IPL की अपार सफलता के बाद BCCI ने निर्णय लिया कि वो इस लीग में और टीम्स भी जोड़ेंगे, और टोटल पार्टिसिपेटिंग टीम्स 2011 के IPL सीजन के बाद से 10 होंगी। उस समय जो दो नई टीम्स IPL में शामिल की गई उसमें से एक थी कोची टस्कर्स केरला। इस टीम को कई कंपनीज मिलकर ओन किया करती थी। इसकी जब बिडिंग हुई तो इसके लिए 1533 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई, जो कि 2008 में कई टीम्स की बोली से कई गुना ज्यादा थी। इस सब के बावजूद ये टीम सिर्फ 2011 के IPL सीजन में ही नजर आ सकी। 2012 में तो BCCI ने इस टीम को टर्मिनेट ही कर दिया था। कोची टस्कर्स केरला को सीजन से पहले BCCI को 10% बैंक गारंटी देनी थी, लेकिन टीम के शेयर होल्डर्स के बीच मिसमैनेजमेंट की वजह से BCCI को ये बैंक गारंटी नहीं मिली। BCCI ने टीम से बैंक गारंटी के लिए रिक्वेस्ट भेजी, पर टीम की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में बैंक गारंटी देने में असमर्थ रहने की वजह से BCCI ने इस टीम को टर्मिनेट करने का कड़ा फैसला लिया। इसके अलावा कई शेयर होल्डर्स होने की वजह से भी फ्रेंचाइजी सही से नहीं चल पा रही थी, तो देखा जाए तो इस फ्रेंचाइजी को IPL से हटाना ही सही निर्णय था। कोची टस्कर्स केरला के कुछ स्टार प्लेयर्स की बात करी जाए तो वो थे ब्रैड हॉज, रविंद्र जडेजा, ब्रेंडन मैकुलम, महिला जयवर्धने और मुरलीधरन। इस टीम में काफी अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद भी ये टीम अपने एक सीजन में 8वें स्थान पर ही फिनिश कर सकी। और फिर 2012 से IPL में 9 टीम्स हो गई। कोची टस्कर्स केरला के प्लेयर्स को ऑक्शन में अलग अलग टीम्स ने खरीद लिया, और जो प्लेयर्स ऑक्शन में नहीं बिके उनको कोची टस्कर्स केरला की पिछले सीजन की बैंक गारंटी से फीस दी गई। BCCI इस टीम की मैनेजमेंट से बिल्कुल खुश नहीं थी। जिन फॉरेन प्लेयर्स ने टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था
उन प्लेयर्स को बीसीसीआई ने कहा कि आप टीम के ओनर्स को कोर्ट में सू कर दीजिए और इसमें आपके साथ बीसीसीआई की बैकिंग होगी। आईपीएल से बाहर होने के बाद टीम के पार्ट ओनर रेंडेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने फरवरी 2012 में बीसीसीआई के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करा कि किस तरह से बीसीसीआई ने इलीगली उनकी टीम को टर्मिनेट करा है। और फिर जुलाई 2015 में कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि बीसीसीआई को कोची टस्कर्स केरला को कंपनसेशन के तौर पर 550 करोड़ रुपए देने होंगे। नंबर 3, पुणे वॉरियर्स इंडिया। पुणे वॉरियर्स इंडिया 2011 में शामिल होने वाली दो टीम्स में से एक थी। ये टीम आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी भी थी, क्योंकि इसके लिए सारा एडवेंचर स्पोर्ट्स लिमिटेड ने लगभग 1700 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जो कि सबसे ज्यादा थी। पहले सहारा ग्रुप ने इस टीम का नाम सहारा पुणे वॉरियर्स रखा था, पर बीसीसीआई के क्लॉजेस के अनुसार ये नाम इलीगल होता, क्योंकि इस टीम के नाम से ही इसको ओन करने वाले ग्रुप सहारा ग्रुप का प्रमोशन होता, जो कि बीसीसीआई द्वारा अलाउ नहीं किया जाता। और इसी वजह से बाद में टीम का नाम पुणे वॉरियर्स इंडिया रखा गया। जिस मैनेजमेंट को टीम के नाम रखने में ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए उस टीम को आगे और कितनी समस्याएं झेलनी पड़ी होंगी। नई फ्रेंचाइजी होने की वजह से उन्होंने अपनी टीम में कई बड़े बड़े प्लेयर्स भी शामिल किए, जैसे कि युवराज सिंह, जेसी राइडर, ग्रैम स्मिथ और मिचेल मार्श। और सीजन के बीच में ही टीम की तरफ से खेलने के लिए सौरव गांगुली को भी आईपीएल में बुला लिया गया। बड़े बड़े प्लेयर्स होने की वजह से टीम ने बहुत जल्दी ही बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी बना ली थी। 2012 के आईपीएल ऑक्शंस के कुछ घंटों पहले ही सहारा ग्रुप ने पुणे वॉरियर्स इंडिया को आईपीएल से विड्रॉ कर लिया, और ऐसा करने से बीसीसीआई काफी निराश हुई, क्योंकि वो ऑलरेडी कोची टस्कर्स केरला को टर्मिनेट करने के डिसीजन से परेशान थे, और अब एक और टीम ने खुद को आईपीएल से बाहर कर टूर्नामेंट के लिए एंड मौके पर मुसीबतें बढ़ा दी थी। सहारा ग्रुप ने विड्रॉल का मेन कारण बताया कि उन्होंने टीम के लिए बड़ी बोली ये सोचकर लगाई थी कि 2011 के सीजन में 94 मैचेस होंगे, जबकि सीजन में मैचेस कम करके सिर्फ 74 मैचेस ही हुए। और इसी वजह से सहारा ग्रुप ने बीसीसीआई से डिमांड करा कि वो फ्रेंचाइजी फीस को कम कर दें, ताकि दोनों पार्टीज के लिए बेहतर कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकें। इसके अलावा टीम और बीसीसीआई के बीच एक और मुद्दा था जो सेटल होना बाकी था। युवराज सिंह 2012 के सीजन में आईपीएल का हिस्सा नहीं बनने वाले थे, जिसकी वजह थी उनका कैंसर ट्रीटमेंट। तो इसके चलते सहारा ग्रुप चाहते थे कि वो युवराज सिंह की फीस जितनी अमाउंट अपने ऑक्शन पर्स में ऐड कर सकें, ताकि वो युवराज सिंह के रिप्लेसमेंट ऑक्शन में खरीद सकें, जो कि बीसीसीआई अलाउ नहीं कर रहा था। पर फिर एक हफ्ते तक बैक एंड फोर्थ करने के बाद बीसीसीआई ने युवराज सिंह की रिप्लेसमेंट के लिए टीम को अलाउ कर दिया। इसके बाद भी टीम मैनेजमेंट में कुछ और प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स का टीम में खेल पाना। पर इन मुद्दों के साथ भी टीम अगले 2 सालों तक आईपीएल का हिस्सा बनी रही। 3 सीजन खेलने के बाद 21 मई 2013 को सहारा ग्रुप ने पुणे वॉरियर्स इंडिया को आईपीएल से विड्रॉ कर लिया। इसका कारण बीसीसीआई ने यह बताया कि टीम अपनी फ्रेंचाइजी फीस देने में असमर्थ रही, जबकि कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग सहारा ग्रुप ने 20% फ्रेंचाइजी फीस भर दी थी और बाकी फीस 19 मई 2013 तक देने का वादा करा था, जिसको टीम पूरा ना कर सकी। सहारा ग्रुप ने विड्रॉल का कारण ये बताया कि बीसीसीआई ऑफिशियल्स बहुत ही बुरे रवैये के साथ उनके साथ डील कर रहे थे, और एक तरफ जहां सहारा ग्रुप एक दशक से भी ज़्यादा से टीम इंडिया के स्पॉन्सर्स बने हुए थे और इंडियन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई उनकी टीम पुणे वॉरियर्स इंडिया के साथ बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं बरत रही थी। सहारा ग्रुप के चेयरमैन बीसीसीआई के इस रवैये से बहुत निराश हुए और ये तक कहा कि जब तक एन श्रीनिवासन बीसीसीआई के अफेयर्स में शामिल रहेंगे, वो तब तक बीसीसीआई के साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे। और फिर 2 अक्टूबर 2013 को बीसीसीआई ने ऑफिशियली टीम का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, और इसी तरह पुणे वॉरियर्स इंडिया का सफर आईपीएल में खत्म हुआ। अपने 3 सीजन के दौरान टीम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। पुणे वॉरियर्स इंडिया अपने 3 सीजन में से एक सीजन में भी नॉकआउट राउंड तक नहीं जा सकी। नंबर 2, गुजरात लायंस। जब 2015 के आईपीएल सीजन के बाद राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 2 साल के लिए आईपीएल से बैन हुई, तब उनकी जगह 2 नई टीम्स ने ली। उनमें से एक थी गुजरात लायंस। गुजरात लायंस के ओनर इंटेक्स टेक्नोलॉजीज के मालिक केशव बंसल थे। न्यू दिल्ली में हुए एक इवेंट में तय हुआ कि टीम का नाम गुजरात लायंस होगा, और ये भी तय हुआ कि टीम के कैप्टन होंगे सुरेश रैना। फिर अपने पहले ही सीजन में ये टीम प्लेऑफ्स में जगह बनाने में कामयाब रही। पहली सीजन में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद दूसरे सीजन में टीम अपनी परफॉर्मेंस रिपीट नहीं कर पाई। 2 सीजन के बाद जब सीएसके और राजस्थान रॉयल्स का बैन खत्म हुआ, तो ये टीम भी आईपीएल से हटा दी गई और इसकी जगह वापस से पुरानी टीम ने ले ली। नंबर 1, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बैन के बाद दूसरी जो टीम आई थी वो थी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। गुजरात लायंस की तरह ही ये टीम भी आईपीएल में सिर्फ 2 सीजन के लिए रही,
इस टीम के ओनर संजीव गोयनका रहे और टीम की कैप्टनशिप संभाली एमएस धोनी ने। इस टीम ने पहली सीजन तो कोई कमाल नहीं किया, पर दूसरे सीजन में ये फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही। फाइनल्स में भी ये टीम सिर्फ एक रन से ही हारी थी। ये फाइनली इस फ्रेंचाइजी का लास्ट मैच भी था, क्योंकि सीएसके और राजस्थान रॉयल्स का बैन खत्म हो चुका था। दोस्तों, यही थी आईपीएल की 5 फ्रेंचाइजीज जो अब आईपीएल में नहीं दिखाई देती। इनमें से कुछ टीम्स ने तो कमाल की फैन फॉलोइंग भी अचीव कर ली थी, पर इनकी आईपीएल जर्नी ज़्यादा लंबी नहीं चल सकी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।